हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड IFRS 15 में लास्ट लेक्चर में बताया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर सेटिस्फाइड होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आप रेवेन्यू किसी तरह से रिकॉग्नाइज करोगे। देखो, हमने स्टेप नंबर 5 में क्या पढ़ा था। स्टेप नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो दो तरह की होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर द पीरियड, और दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम। अब ओवर द पीरियड का मतलब क्या हुआ कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देनी है धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड, लेकिन एट अ पॉइंट इन टाइम मतलब एक ही बार आपने दे देना है कंट्रोल जब पास ऑन होगा। तो डिस्कस करते हैं कि अब बात करते हैं कि मैम अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हमने प्रोग्रेस जितनी होती जा रही है कॉन्ट्रैक्ट में उतनी प्रोग्रेस जो है वो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मेजर करना है, रेवेन्यू एक रिकॉग्नाइज करना है। तो अब ये प्रोग्रेस को मेजर कैसे करेंगे? तो देखो, प्रोग्रेस मेजर करने के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटपुट मेथड और दूसरा होता है इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड का मतलब क्या हुआ कि जितना आपने आउटपुट जनरेट करके दे दिया कस्टमर को वो हम आउटपुट मेथड कहते हैं। तो उस प्रोपोर्शन में हम अपना रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इनपुट मेथड का मतलब क्या हुआ? इनपुट मेथड का मतलब हुआ कि आपने जितनी टोटल कॉस्ट इनकर कर ली, जैसे आप लोगों को ये एग्जांपल दिया हुआ है, अभी जो हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो इनपुट मेथड का एग्जांपल दिया है कि टोटल कॉस्ट जितनी आपके रेवेन्यू में थी प्लस आपने जितनी इनकर कर ली, तो उस प्रोपोर्शन में हमने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो इफ द प्रोग्रेस कैनॉट बी रिलायबली मेजर्ड देन द रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज अप टू द रिकवरेबल कॉस्ट इनकर्ड। ओके, अब यहां पर हम एक बात समझें कि मैम हमने प्रोग्रेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करनी है। तो प्रोग्रेस आपने देखो, अगर तो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम आप क्या कैलकुलेट करोगे कि आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, हमें 3 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। अगर तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल में आपने कंप्लीट करना है, जिसका एक्सपेक्टेड आउटकम आपका प्रॉफिट निकल रहा है कि आप एंड ऑफ द 3 ईयर्स, आफ्टर एंड ऑफ द 3 ईयर्स आपको प्रॉफिट होगा, तो एक काम करो, आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे जितनी प्रोग्रेस हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कॉस्ट भी कितनी रिकॉग्नाइज करोगे जितना प्रोग्रेस हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा जितना आपका प्रोग्रेस हो चुका है। जैसे मान लो आपका 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल रेवेन्यू में से 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, टोटल कॉस्ट में से जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है कॉन्ट्रैक्ट की उसमें से 60% रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपको लॉस होने वाला है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमने एंटर तो किए थे वो प्रॉफिटेबल थे लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिससे मुझे लॉस होगा, तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे? रेवेन्यू तो प्रोग्रेस के हिसाब से होगा ही होगा लेकिन टोटल लॉस हम रिकॉग्नाइज कर देंगे अभी के अभी। टोटल लॉस हमने रिकॉग्नाइज कर देना है उसी ईयर में जिस साल मुझे पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस में जाने वाला है। क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेक्टेड लॉसेस इज टू बी रिकॉग्नाइज फर्स्ट। लेकिन ऐसा भी तो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ना मैम कि अननोन है, मतलब मुझे पता ही नहीं लग पा रहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल होगा या लॉस में जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसा कि आपको यहां पर दिया हुआ है, इफ द प्रोग्रेस कैनॉट बी मेजर्ड देन द रेवेन्यू कैन बी ओनली बी रिकॉग्नाइज अप टू द रिकवरेबल कॉस्ट। तो जितनी आपकी रिकवरेबल कॉस्ट है, रिकवरेबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वो कॉस्ट जो आप कस्टमर से रिकवर कर लोगे, आप कोई खर्चा करते हो और उस पे आप कोई कॉस्ट इनकर करते हो, तो टोटल कॉस्ट में से जितना कॉस्ट का पार्ट आपको आपका कस्टमर कंपनसेट करके दे देगा उतना ही रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करना। अंडरस्टैंडिंग 9 करते हैं। देखो, ऑन 1st of January 2001 बेकर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग फॉर कंसीडरेशन ऑफ 2 मिलियन। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 2 मिलियन का। ओके, प्लस
अ बोनस ऑफ 0.4। अब देखो ये जो 0.4 का बोनस है ना, ये क्या है, वेरिएबल कंसीडरेशन। हमने वेरिएबल कंसीडरेशन वाला पार्ट लास्ट लेक्चर में कंसीडर किया था, ठीक है। तो वेरिएबल कंसीडरेशन में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ उतना ही पार्ट आपने रिकॉग्नाइज करना है वेरिएबल कंसीडरेशन का, जो आगे आपको जाके रिवर्स ना करना पड़े। इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड विद इन 18 months, बोनस ऑफ 0.54 इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड विद इन 18 months, ओके। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितनी है, 1.5 मिलियन की। टोटल कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाली है वो 1.5 मिलियन की है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द बेकर, बेकर कैन डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू डेट प्लस अ मार्कअप ऑफ 30%। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो बेकर जितनी भी उसने कॉस्ट इनकर की है अब तक की, प्लस 30% उसका डिमांड कर सकता है, ठीक है। ऑन 1st of January 2001, अब प्रॉब्लम ये है कि मैम हमें ये तो पता लग गया कि 0.42 मिलियन हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस है, लेकिन इस 0.4 को इंक्लूड करें या ना करें, उसी के बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना। देखो आपका जो टोटल रेवेन्यू बनने वाला है वो तो 2.4 का बनने वाला है, तो हम अपना टोटल रेवेन्यू 2.4 लें या सिर्फ 2 मिलियन लें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ऑन 1st January 2001 एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ इट्स कंट्रोल सच एज वेदर या रेगुलेटरी अप्रूवल, बेकर इज नॉट श्योर कि वो बोनस अचीव कर पाएगा। मतलब 0.4 इज नॉट अचीवेबल। तो हमने क्या पढ़ा था वेरिएबल कंसीडरेशन में, कि वो पार्ट वेरिएबल कंसीडरेशन का सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज होगा जब आपका वो रिवर्सिबल नहीं है। इट मींस क्वेश्चन यहाँ पे मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि हमने 0.4 को अपना रेवेन्यू कंसीडर नहीं करना। ओके, एट 31st December 2001 बेकर इज स्टिल अनश्योर, अभी भी अनश्योरिटी है वेदर द बिजनेस टारगेट विल बी मेट और नॉट। बेकर डिसाइड्स टू मेजर प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड। अब कॉस्ट इनकर्ड, बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड, इसका मतलब जो प्रोग्रेस मेजरमेंट का मैंने मेथड अपनाया है वो कौन सा मेथड अपनाया, इनपुट मेथड बनाया, इनपुट मेथड अपनाया, जितनी कॉस्ट इनकर कर ली। अब टोटल कॉस्ट कितनी है कॉन्ट्रैक्ट की, टोटल कॉस्ट 1.5 है, जिसमें से मैंने कितनी इनकर कर ली है, 1 मिलियन की इनकर कर ली है। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो आप लोग आंसर पे भी आ जाओ। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सेपरेट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो बोनस वाला पार्ट है वो हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड होना चाहिए ट्रांजेक्शन प्राइस में से। बट इट इज नॉट हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा ट्रांजेक्शन प्राइस में, तभी इंक्लूड होगा। दिस इज अ कंडीशन कि जब वो प्रोबेबल है कि आपका रिवर्सल नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर एन शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन सी ऑब्लिगेशन है जो सेटिस्फाइड हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की, ठीक है। तो बेकर शुड नॉट रिकॉग्नाइज शुड रिकॉग्नाइज परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस। हमने क्या पढ़ा, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो प्रोग्रेस के बेसिस पे। अब प्रोग्रेस कैसे मेजर करेंगे, इनपुट मेथड से। इनपुट मेथड मतलब टोटल कॉस्ट कितनी इनकर की अभी तक, 1.0। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 1.5, मतलब 2/3 आप कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट कर चुके हो। तो इट मींस जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, अब यहां पर एक बात ध्यान देना, मैंने रेवेन्यू सिर्फ 2 मिलियन का लिया, मैंने यहां पर 2 + 0.4 = 2.4 कंसीडर नहीं किया। क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि 0.4 इज मुझे अनश्योरिटी है ना अभी कि मैं ये रिसीव करूंगी भी या नहीं करूंगी। तो रेवेन्यू कितना आएगा, 2 मिलियन का 2/3 1.3, कॉस्ट 1.5 मिलियन का 2/3 1। बट मैम एक बात आप और बताओ कि आपको कैसे पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है। ऑब्वियसली 2 मिलियन के में से 1.5 का आपका खर्चा होगा, तो 0.5 का प्रॉफिट तो हो गई। मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना, ये फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं कि प्रॉफिट उतना ही मेजर करना है जितना हमारा, तभी मेजर करना है अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है। तो दैट्स व्हाई मैंने रेवेन्यू भी प्रोग्रेस के बेसिस पे लिया और कॉस्ट भी प्रोग्रेस के बेसिस पे लिया।
ठीक है, इस तरह से आपका आएगा. इफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो एट अ पॉइंट इन टाइम वाली है. तो मैम आपने हमें बताया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो तरह की होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर में तो हम समझ गए कि प्रोग्रेस के बेसिस पे, एट अ पॉइंट इन टाइम में बताओ क्या करेंगे, ऐसा कौन से पॉइंट पे हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, एन एंटिटी कंट्रोल्स एन एसेट इफ इट कैन डायरेक्ट इट्स यूज. देखो आपका जो पॉइंट होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा, आप ये डिसाइड करो कि एंटिटी को कंट्रोल पास ऑन कब हो रहा है. जिस पॉइंट पे आप कंट्रोल पास ऑन करोगे उसी पॉइंट पे आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ पर्टिकुलर गुड्स अपने बायर को सेल कर रही हूँ, तो जब उन गुड्स का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल के बायर के हाथ में जाएगा, वही पॉइंट होगा कि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं. तो यहीं पे उन्होंने कहा, बात शुरू की कंट्रोल से, कि एंटिटी कंट्रोल करती है केसेट को इफ इट कैन डायरेक्ट इट्स यूज एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ इट्स रिमेनिंग बेनिफिट्स. अगर आप उसके उसको यूज करना सिर्फ कंट्रोल नहीं है, उसके यूज को डायरेक्ट करना इज अ कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल इंक्लूड्स एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स, दूसरी एंटिटीज को बेनिफिट्स ना ऑब्टेन करने देना. अब कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिससे मुझे पता लगेगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, द एंटिटी हैज प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट. एंटिटी के पास राइट टू पेमेंट आ गया, मतलब एंटिटी ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, अब वो राइट टू पेमेंट अपना एक्साइज कर सकती है. दूसरा, द कस्टमर हैज लीगल टाइटल, कस्टमर के पास लीगल टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, लीगली कस्टमर उस पर्टिकुलर एसेट का ओनर है. सेकेंड, द एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड फिजिकल पोजेशन. देखो मैं ये नहीं कहती कि आपको ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सारी नहीं करनी, बट ये सारी जॉइंटली मिलेंगी. अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल पोजेशन चला भी जाए बट फिर भी हम उसके ओनर नहीं बनते, जैसे रेंट पे दिया कोई एसेट, फिजिकल पोजेशन टू ट्रांसफर कर दिया लेकिन ओनर कौन है उसका, जो लेसर है जो रेंट पर दे रहा है. और दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स जो हैं उस एसेट से रिलेटेड वो सारे कस्टमर को ट्रांसफर हो चुके हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका एसेट जो है वो कंट्रोल आपके पास से जा चुका है. दूसरा, कस्टमर ने एसेट एक्सेप्ट भी कर लिया, हमारा सिर्फ एसेट को दे देना ही ठीक नहीं है, कस्टमर ने एसेट को एक्सेप्ट भी किया होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग 10 समझते हैं. हाँ जी, सो अब अंडरस्टैंडिंग 10 में उन्होंने क्या कहा, ऑन 31st of December 2001 क्लेरेंस डिलीवर्ड द जनवरी एडिशन ऑफ हिज मैगजीन विद ए टोटल सेल वैल्यू ऑफ 1 lakh. डिलीवर कर दी उन्होंने सुपरमार्केट चेन को. लीगल टाइटल रिमेन विद द क्लेरेंस, लेकिन लीगल टाइटल इसका अभी किसके पास था, क्लेरेंस के पास था. अंटिल द सुपरमार्केट सेल्स अ मैगजीन टू द एंड कस्टमर, जब तक वो एंड कस्टमर के पास नहीं चली जाती तब तक लीगल टाइटल किसके पास है, क्लेरेंस के पास है. द सुपरमार्केट विल स्टार्ट सेलिंग द मैगजीन टू इट्स कस्टमर ऑन 1st January. 1st January को वो स्टार्ट करेगी. एनी मैगजीन दैट रिमेन अनसोल्ड बाय द सुपरमार्केट 31st December वो हम रिटर्न कर देंगे क्लेरेंस को. सुपरमार्केट विल बी इन्वॉइस्ड बाय क्लेरेंस इन फरवरी 2002 में इन्वॉइसिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इश्यूज दे रिसीव्ड और जो रिटर्न हो गए. तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने ये बताना है कि रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करें. तो देखो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पहली बात तो हम ये समझें कि दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विच इज सेटिस्फाइड ओवर अ टाइम. क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ तभी माना जाता है जब आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर साइमल्टेनियसली रिसीव हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम होगा. अब जैसा कि हमने पढ़ा, एट अ पॉइंट इन टाइम में हमें ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोल कब पास ऑन होगा.
अब ये देखते हैं, तो कंट्रोल के इंडिकेटर्स क्या थे? कंट्रोल के अलग अलग इंडिकेटर्स थे कि लीगल टाइटल कब पास ऑन हो रहा है, फिजिकल पोजेशन कब दे रहे हैं। तो बात करें अगर फिजिकल पोजेशन की, द फैक्ट दैट सुपरमार्केट के पास फिजिकल पोजेशन है एज एट 31 दिसंबर, ये एक इंडिकेटर है कि आपका कंट्रोल पास हो गया। ऑल्सो जो क्लियरेंस है वो इनवॉइस करेगी सुपरमार्केट को फॉर एनी इश्यूज दैट आर स्टोलन, एंड सो द सुपरमार्केट डज बियर सम फॉर्म ऑफ रिस्क। इसका मतलब रिस्क और रिवॉर्ड्स भी जा रहे हैं सुपरमार्केट को, रिस्क रिवॉर्ड्स नहीं, रिस्क की बात है। लेकिन यहां पर एक बात जो है आपको समझनी है कि जो लीगल टाइटल है वो अब भी क्लियरेंस के पास है, सुपरमार्केट्स के पास नहीं है। सुपरमार्केट्स के पास सिर्फ फिजिकल पोजेशन है, लीगल टाइटल नहीं है। Moreover, clearance has no right to receive payment. दूसरी बात, right to receive payment, one of the indicator of control, वो भी नहीं आया अभी हमारे पास। Until the supermarket sells the magazine, finally clearance will be sold any unsold issued and so bear significant risk of ownership. तो उस केस में ऑल थिंग्स कंसीडर्ड इट वुड बी सीन दैट कंट्रोल ऑफ द मैगजीन हैज नॉट पास, क्योंकि लीगल टाइटल पास ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल पोजेशन हुआ है, राइट टू रिसीव पेमेंट नहीं आया। दैट्स व्हाई हम ये कंक्लूड करेंगे कि कंट्रोल अभी पास ऑन नहीं हुआ 31 दिसंबर को, क्योंकि कंट्रोल पास ऑन नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई क्लियरेंस कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट ईयर में 2002 में करेगा, जब उसके पास राइट टू रिसीव पेमेंट भी आ जाएगा, लीगल टाइटल भी उसके हाथ से चला जाएगा। सो पहले ही मैंने आपको कहा, ये जो आपको इंडिकेटर्स दिए हैं ना, ये आपने कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना, ये सारे इंडिकेटर्स जॉइंटली वर्क करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस की। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस में उन्होंने क्या कहा, अ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन द स्कोप और प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मैम हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, 3 years का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, बट बाद में जाके कुछ चेंज हो गया उसमें, तो उस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हम कैसे ट्रीट करें? आइदर इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसी में उसको चेंजेस की तरह लें। तो कहते हैं अब मॉडिफिकेशन इज अकाउंटेड फॉर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, एक सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपने मानना है, इफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। आप उन नई टर्म्स में कुछ अलग डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और दूसरा आपका प्राइस भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इफ नॉट अकाउंटेड फॉर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मॉडिफिकेशन को कैसे ट्रीट करेंगे? द टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो क्या मान लिया जाएगा, टर्मिनेशन मान लिया जाएगा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का और नया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इफ द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ट्रांसफर्ड बिफोर, द ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज द टोटल ऑफ ओरिजिनल कंसीडरेशन अनरिकॉग्नाइज। मतलब इस केस में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कंसीडरेशन रिकॉग्नाइज नहीं की थी वो ले लोगे, और एडिशनल कंसीडरेशन अब जो नहीं आई है डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो हम क्या मान लेंगे, अपना मॉडिफिकेशन, पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इफ द रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ट्रांसफर्ड, मतलब अगर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आप अलग नहीं कर पा रहे हो बिफोर द मॉडिफिकेशन, एंड सो पार्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, this modification will impact the contract price and the stage of contract completion. It is dealt by adjusting the cumulative revenue recognized. मतलब फिर आप cumulative revenue recognize करोगे जो भी आपका modification date पर आएगा, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन को हम डील कैसे करेंगे जो कि मैं डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रही, जो कि मैं अलग नहीं कर पा रही। तो इस केस में उन्होंने क्या कहा, मॉडिफिकेशन रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब जो बचे हुए गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम अलग नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे, द रिपोर्टिंग एंटिटी, जैसे एग्जांपल के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया, द रिपोर्टिंग एंटिटी एंटिटी अ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एक एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का किसी और कंपनी के साथ।
लेकिन एक साल के बाद क्या होता है, प्लान में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें जो फ्लोर प्लान का डिजाइन है ना, वो चेंज हो जाता है, और एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्रीज आया। तो अब यहां पर इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो अब इसको किस तरह से डील करेंगे, क्योंकि फ्लोर प्लान चेंज हुआ है। बट यहाँ पर आप लोग ये कंसीडर करो कि क्या आप डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो? नहीं। द रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड अंडर द मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। पहले भी बिल्डिंग ही सप्लाई करनी थी कंस्ट्रक्ट करके, अब भी वही करना है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस के साथ करना है। फ्रॉम द सर्विसेज ट्रांसफर्ड बिफोर, दिस इज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स वन। अब भी वही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि आपने कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। Consequently, entity report entity accounts for the contract modification as a part of original contract. Accumulative catch-up adjustment will be required. मतलब आप total transaction price में जो changes हुए हैं उसको in total जो है वो आप उसको क्या करोगे, modify करोगे, ना ही एक separate new contract deal इसको नहीं करेंगे। न्यू कॉन्ट्रैक्ट डील तभी होगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट तभी आएगा जब डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग 11 समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग 11 में उन्होंने क्या कहा, सॉल्टी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 1000 प्रोडक्ट्स टू स्वीट फॉर 60 ईच। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड ओवर 8 मंथ पीरियड, 8 मंथ्स में ये प्रोडक्ट ट्रांसफर होंगे और कंट्रोल पास ऑन होगा जब सारे डिलीवरी हो जाएगी। आफ्टर सॉल्टी हैज ट्रांसफर्ड 700 प्रोडक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस आ गए जिसमें हमने 200 प्रोडक्ट्स जो है वो और एडिशनल सप्लाई करने हैं। मतलब पहले हमने 1000 प्रोडक्ट्स सप्लाई करने थे, जिसमें से 700 प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी सप्लाई कर चुके थे, बचे रह गए 300, इसमें से हमने 200 और सप्लाई करने हैं। मतलब टोटल जो सप्लाई होगी वो 1200 प्रोडक्ट्स की होगी, ठीक है। अब जो एडिशनल 200 है उसका प्राइस डिटरमिन किया गया 57, पहले 60 था अब 57 हो गया, विच इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन किया उस दिन का ये प्रोडक्ट का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। रिपोर्टिंग डेट तक सॉल्टी ने 900 प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए। 700 के बाद चेंज हुआ और चेंज के बाद रिपोर्टिंग डेट पर 900 प्रोडक्ट्स सेल कर दिए। डिस्कस विथ कैलकुलेशन हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकोगनाइज, कितना रेवेन्यू हम रिकोगनाइज करेंगे। अब यहाँ पर एक बार ध्यान दो, सो देखो अंडरस्टैंडिंग वन में उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे ना लास्ट वाली लाइन सिग्निफिकेंट है। वो कहते हैं विच इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द डेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अब इस केस में द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अकाउंटेड फॉर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। 200 प्रोडक्ट्स और ट्रांसफर करने हैं और प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को। मतलब रिपोर्टिंग डेट तक जो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी वो कितना करूंगी, 900 मल्टीप्लाइड बाय 60 अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। और जो अब देखो 200 को हम क्या मान रहे हैं, सेपरेट ओरिजिनल सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। तो मतलब कि क्या होगा कि मैम आपने 60 क्यों ले लिया, प्राइस तो 57 था। देखो रजे, 57 मैं तब कंसीडर करूंगी जब ये 200 सेल करूंगी, क्योंकि ये 200 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मुझे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डील कंसीडर करने के लिए दो चीजें चाहिए थी, क्या, एक तो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ये दोनों ही कंसीडर कर। मतलब एंटिटी 1000 प्रोडक्ट सेल करने के बाद 1000 तक हम 60 की सेल रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 1000 के बाद यूनिट्स जो भी सेल होंगे 200 में से वो हम 57 पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बी पार्ट पर। बी पार्ट पर उन्होंने क्या कहा, डिस्कस विद कैलकुलेशंस हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशन टू अबव बाय द इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड अ प्राइस ऑफ 40 फॉर एडिशनल 200 कॉस्ट। मतलब उन्होंने 200 के लिए क्या किया, 40 का प्राइस ले लिया, बल्कि मॉडिफिकेशन डेट पर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना था, 57। मतलब
फॉर एडिशनल यूनिट सप्लाई डिस्टिंक्ट यूनिट सप्लाईज आप लोग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं कंसिडर कर रहे हो. इट मीन्स कि आपकी जो सेकेंड वाली कंडीशन है, देखो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि डिस्टिंक्ट गुड्स है, लेकिन जो सेकेंड वाली कंडीशन है कि प्राइस इंक्रीज आपका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. इट मीन्स हम चेंजेस इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही लेंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे. तो मैम अगर 200 यूनिट्स को हम चेंजेस इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे हैं, तो अब इससे रिलेटेड हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे? देखो जो आपने 700 यूनिट्स अभी तक सेल किए, उसका रेवेन्यू आपने कितना रिकॉग्नाइज किया होगा? $42,000 60 के बेसिस पे. चेंज होने के बाद आपने 900 और रिकॉग्नाइज कर दिए. नाउ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अ ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी डिटरमिंड फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बना, दिस इज द अनरिकॉग्नाइज्ड कंसीडरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. क्या 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 60, जो 1000 में से, अब पूरे 1000 का प्राइसेस मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो पूरे 1000 में से जो 300 प्राइस यूनिट्स बच गए उसका प्राइस 60 है, प्लस जो 200 यूनिट्स और सप्लाई करने हैं उसका प्राइस 40 है. मतलब टोटल जो तुमने अमाउंट चेंज करना है वो कितना हो गया? दिस अमाउंट्स टू प्राइस पर प्रोडक्ट 52, 26 डिवाइडेड बाय 500. देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर दो चीजें प्रेजेंट हैं, क्या डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है, और दूसरा कि आपका प्राइस इंक्रीज रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो आपने इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानना है. मतलब आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा, आपका एक दो दो कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे. लेकिन अगर आपकी दो कंडीशंस नहीं है, कौन सी? एक डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज नहीं है, प्लस प्राइस इंक्रीज नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को, तो उस केस में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा. मतलब ओरिजिनल वाला कैंसिल होके नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो अभी तक आपने $42,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, प्लस आगे और कितना करना था? आगे करना था आपने 300 के लिए 60 और 200 के लिए 40. आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ फर्दर 200 प्रोडक्ट्स, अब देखो हमने ईयर एंड में क्या पढ़ा कि ईयर एंड में 900 यूनिट सेल कर दिए, तो 700 का तो रेवेन्यू आपका 60 हो गया. 200 प्रोडक्ट्स जो ट्रांसफर किए हैं उसका रेवेन्यू कैसे लोगे? 200 मल्टीप्लाइड बाय 52. मतलब उसमें अब ये जो 52 प्राइस है ना, इसमें मैंने ये चेंज जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी ऑब्जर्व किया हुआ, और जो रिमेनिंग मेरा प्राइस था वो भी ऑब्जर्व किया हुआ, दोनों के चेंजेस आए. तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? $42,000 फॉर 700 प्लस $10,400 फॉर रिमेनिंग 200. ये आपका $52,400 का प्राइस बन जाए. ठीक है, तो आप इन समरी इन कंक्लूजन में ये आपको बताऊं कि अगर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं, प्लस जो आपका एडिशनल प्राइस है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ही है, तो उस केस में आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा. मतलब दो दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर आपका डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज नहीं है, या फिर आपका जो नया प्राइस है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में ओरिजिनल वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. ठीक है, सो ये थी आपकी बात किसकी? अब कॉन्ट्रैक्ट की, मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की. तो IFRS 15 के अकॉर्डिंग कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हमने कैपिटलाइज करनी है. IFRS 15 says that the following cost must be recognized as an asset. कौन सी? The cost of obtaining a contract. Contract obtained करने के लिए जो cost है, but सारी नहीं. This must include cost, मतलब exclude, sorry, cost. Exclude मतलब ये क्या होंगी? ये profit and loss account में जाएंगी, ये capitalize नहीं होंगी. That would have been incurred regardless of whether the contract was obtained or not. मतलब चाहे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता, फिर भी मुझे ये इनकर करनी पड़ती. वो कॉस्ट हम क्या करेंगे? इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे.
दूसरा द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए अगर मैंने कोई कॉस्ट इनकर की है जो कि दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं आ रही है तो, और एक्सपेक्टेड है कि रिकवर हो जाएगी कस्टमर से. मतलब बेसिकली थ्री बेसिक कंडीशंस होगी. कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमने वो प्राइस नहीं लेना है, वो कॉस्ट नहीं लेनी है जो कि हम करते ही करते इनकर, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता या ना मिलता, जैसे लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग हो गया. दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कॉस्ट अगर वो किसी और स्टैंडर्ड्स के स्कोप में नहीं आ रही है. तीसरा, अगर एंटिटी एक्सपेक्ट की वो कॉस्ट रिकवर कर लेगी कस्टमर से तो हम कैपिटलाइज करेंगे. बट मैम कैपिटलाइज करके करेंगे क्या? एज एन एसेट. द कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज रेवेन्यू. धीरे धीरे करके एज रेवेन्यू, जिस तरह से वो आपको रियलाइज होती जाएगी, आप अपने P&L में लेके आते जाओगे. और मैम जो जर्नल कॉस्ट है जो हमने कैपिटलाइज नहीं की, तो वो जैसे इनकर होंगी वो वैसे वैसे प्रॉफिट और लॉस में जाता जाएगा. अंडरस्टैंडिंग 12 देखो. Strangers company offers consultancy services. It incurred the following cost on successful contract bid. क्या? एक तो external fees है incurred for rehearsing potential customers. Potential customers उसके क्या क्या होंगे, researching, उसने research किया कि इस contract के, इस particular service के कौन कौन से customers होंगे. Travel cost to deliver proposal 20,000 travel cost. Commission to sales staff for winning the bid. अब देखो ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, वो ये वाली कॉस्ट है सिर्फ 15,000. हमारा आंसर देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेंजर रिकॉग्नाइजेस एन एसेट ऑफ 15,000. व्हाई? क्योंकि आपका जो $30,000 की कॉस्ट है ये आपने इनकर करनी ही करनी है. आप रिसर्च कर लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पक्का हो जाएगा. हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि आपने कैपिटलाइज सिर्फ तभी करनी है जब आप सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो. 30,000 ऐसी कॉस्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, इनकर हमने कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरा ट्रैवल कॉस्ट. ट्रैवल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, अगेन ये प्रपोजल सबमिट करने की कॉस्ट है. हो सकता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिला, लेकिन जो थर्ड वन है ये सिर्फ वो वाली कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इनकर होगी. मतलब दिस कॉस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड. तो 15,000 आप अपनी बुक्स में क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे. जो एक्सटर्नल रिसर्च फीस होगी या आपकी जो ट्रेवल कॉस्ट आएगी वो इनकर होनी ही होनी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बिड आपके सक्सेसफुल हो या ना हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले या ना मिले. सो दैट्स व्हाई वो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकर करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन में. कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.